देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। दरअसल झारखंड में होमगार्ड जवानों को समान कार्य के समान वेतन का लाभ देने के खिलाफ हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए थे, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस GK माहेश्वरी और विश्वनाथन की खंडपीठ ने SLP को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की SLP खारिज होने के साथ ही अभी जवानों के वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल उन्हें समान काम के लिए समान वेतन के तहत सिपाही के समान वेतन का भुगतान करने को लेकर ये फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना देरी किए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और बता दें कि हाईकोर्ट संगठन की ओर से एडवोकेट अजय कांत मिश्रा ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट के एकल और डबल बेंच ने झारखंड सरकार को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था और 3 महीने के भीतर इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा 6 महीने के अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। हालांकि 6 महीने का समय दिए जाने के बाद भी झारखंड सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया गया था, जिसके बाद उनका संगठन की ओर से रवि मुखर्जी और राजेश तिवारी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। और अवमानना याचिका से बचने के लिए 4 महीने पहले ही राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी, जहां राज्य सरकार की हार हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसके साथ ही 20,000 से अधिक होमगार्ड जवानों को इसका लाभ मिलना शुरू होगा। वर्ष 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि समान कार्य के बदले कर्मचारियों को समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार में यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया गया था। झारखंड में होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन 500 से वेतन का भुगतान किया जा रहा था और 2018 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 2019 में सिंगल बेंच में होमगार्ड के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के डबल बेंच में SLP जारी की गई थी। इन सभी फैसले के बाद अब राज्य सरकार को समान कार्य का समान वेतन होमगार्ड के जवानों को देना होगा। राज्य के 20,000 से भी अधिक होमगार्ड जवानों को अब 21,000 से लेकर 22,000 रुपए तक का वेतन का भुगतान किया जाएगा। उन्हें सिपाही के समान स्केल पर वेतन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मामले में रवि मुखर्जी ने कहा कि जब तक समान कार्य समान वेतन लागू नहीं होता वर्ष 2018 से, तब तक एरियर के भुगतान के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। बिहार में भी ऐसे ही याचिका दायर की गई थी। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों को एरियर की राशि का लाभ मिल चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एरियर को लेकर कोई फैसला तो नहीं आया है, लेकिन अब झारखंड में भी याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। यदि होमगार्ड जवानों के एरियर के लिए भी होमगार्ड के पक्ष में फैसला आ जाता है, तो ऐसे में समान कार्य के बदले समान वेतन के साथ ही एरियर का भुगतान होने के बाद होमगार्ड के जवानों के खातों में 22,000 से भी अधिक राशि देखने को मिल सकती है।